नमस्कार, मैं विद्या सिंह और आप सभी को स्वागत है विद्या मस्ती ब्लॉग में। तो अभी हम आए हुए हैं मधुबनी जिला कोसी गांव में, जहां मछली का पालन किया जाता है। तो अभी हम आए हुए हैं मछली प्लांट में, जहां 11 ट्रंक बैठाया गया है, वहां आए हुए हैं, जो आप देख सकते हैं हमारे पीछे बड़ा ट्रंक। और यहाँ अभी इकबाल सर के द्वारा ये प्लांट बैठाया गया था। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं, इनका जो ऑनर है इकबाल सर, उनसे बातचीत करेंगे जो ये बैठाने में कितना कॉस्ट लगा था और कितना इनको मेहनत लगा था, सारा उनसे जानकारी लेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हमारे साथ हैं इकबाल सर, जो ये प्लांट का ऑनर है, वो सर है, और वो सर से अभी हम बातचीत करते हैं जो ये प्लांट खोलने में कितना इनको कॉस्ट लगा था और कितना मेहनत लगा था, वो सारा जानकारी अभी हम इकबाल सर से लेते हैं। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो सर, सबसे पहले आप अपना एड्रेस बताइए, ये प्लांट कौन सी जगह पर बैठाया गया है और कहाँ बैठाया गया है बताइए। देखिए, ये आपको 80 माइल पड़ता है जी, मधुबनी जिला में पड़ता है, काफ़ी फेमस जगह है जी। ठीक, 80 OP के सामने है ये। और आप दूसरा क्वेश्चन है कि इसको लगाने में कितना खर्च लगा जी। तो पर टन कॉस्ट है, देखिए इसमें GSM का जो सिलेक्शन है, टारपोलिन का सिलेक्शन है, वो आपके ऊपर है कि आप कैसा लेते हो, कितना मजबूती चाहते हो जी। तो मैंने 1000 GSM का लिया और अप्रोक्सीमेट मुझे 25,000 पड़ा एक टाइम के सेटअप में। और इसमें आपको ये मेश इंक्लूड रहता है, इंटरनल प्रोटेक्शन लेयर इंक्लूड रहता है, और ये टारपोलिन इंक्लूड रहता है, साथ में सेंट्रल ड्रेन लाइन इंक्लूड रहता है जी। इसके अलावा जो इसमें वाटर इजेक्शन का है, ये पाइप ये सब एडिशनल है, और ये वाटर इंजेक्शन का है, ये पाइप एडिशनल है, और ये एयर वाला पाइप है, ये सब एडिशनल है। तो आप कुल मिला करके चलिए कि एक टैंक लगाने में आपको लगभग जो है ये सारे खर्चे अगर जोड़ जाड़ के आप करते हो तो वो लगभग जो है 35,000 रुपया पड़ जाता है 11 टैंक में। एक टैंक में पैंतीस हज़ार रुपये अगर आप अच्छे क्वालिटी का करते हो जी, क्योंकि आपको ये सारा पाइप लगेगा और इसको आप कहाँ ड्रेन कर रहे हो, वो सारे खर्चे जोड़ करके। ठीक है, बल्ब वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा आप ये मान के चलो कि आपका जो एयर ब्लोअर जो आपका लगा हुआ है, 1 HP का एयर ब्लोअर, ये मार्केट में डिफरेंट रेट के अवेलेबल हैं, 16,000 से लेकर के लगभग, तो वहाँ पर तो कॉस्ट अप्रोक्सीमेट एक टैंक का जो है वो आप 35,000 मान के चलो, और साथ में आपके एडिशनल चीज़ें हैं, जैसे आप टैंक लगाते हो, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेते हो, या आप समरसेबल करवाते हो, या आप ब्लोअर लगाते हो, ब्लोअर की जो पाइप की फिटिंग है वो सब जो है, प्लम्बर के चार्जेज हैं, ऊपर के शेड हैं, या साइड में आप एडिशनल, ये सब एडिशनल खर्चे हैं। आप अपने इलाके के हिसाब से इसको कर सकते हैं, कहीं पे ज़रूरी है इसका, कहीं पे ज़रूरत नहीं है इसका। लाइक ये जो मैंने बनाया है बाउंड्री वॉल जो बनाया है, यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि आवारा पशु है या आवारा मनुष्य है, उस सबसे जो है थोड़ा प्रोटेक्शन रहता है, और बाकी इसकी कोई खास वजह नहीं है। अगर आप सेफ एरिया में हो तो इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं, ये सब एडिशनल खर्चे से आते हैं। तो मान के चलिए मोटा मोटी कि 35,000 रुपया टैंक का खर्चा, बाकी एडिशनल चीज़ें आप जिस जैसा लगाना चाहो, ये आपके पॉकेट के ऊपर है और मार्केट रिसर्च के ऊपर है। तो सर, अभी जो आप इसमें जो सीड गिराए हुए हैं, कौन कौन सा सीड है और कितना दिन पहले गिराए थे, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए। देखिए, नंबर 1 टैंक है मेरा, उसमें सिंगी डाला हुआ, नंबर 10 है, और इसमें जो है वो देसी सिंगी डाला हुआ है। ये मैंने मार्च में डाला था, इसमें बहुत कम पीसेस डाला था, ट्रायल डाला था, लेकिन ये मैच्योर साइज़ है अभी, ये 50 ग्राम से लेकर के 80 ग्राम तक का है, जो सेलेबल प्राइस है, सेलेबल साइज़ है, लेकिन अभी मैंने इसको सेल नहीं किया क्योंकि बारिश की वजह से जो है अभी रेट मछली का बहुत कम है हम लोगों के। इसमें कौन सा मछली है? देसी सिंगी। ये दूसरा टैंक हुआ, टैंक नंबर 6 है ये जी, और इसमें जो है वो पंगास है, पंगास का भी बच्चा है, ये लगभग 30 से लेकर के 60 ग्राम तक का इसमें साइज़ है अभी, और अप्रोक्सीमेट 2.5 से 3 हज़ार बच्चे हैं इसमें अभी, क्योंकि मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगा तालाब में, इसलिए इतना रखा है मैंने। और इसमें मैक्सिमम जो है वो 1000 पीस जो है वो डालना चाहिए, जो मेरा एक्सपीरियंस। तालाब में ज़्यादा खर्चा कॉस्ट पड़ता है या टैंक में ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए। देखिए, कॉस्ट तो ऑफकोर्स टैंक में ज़्यादा पड़ता है जी, ठीक है, लेकिन तालाब में क्या है कि तालाब में थोड़ा सा मेंटेनेंस फ्री है, वाटर का क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा होता है जी, तो थोड़ा सा मेंटेनेंस कम होता है, बाकी फीड की डोजिंग तो वहाँ पर होगी ही होगी। और जो है कि बच्चे मैंने यहाँ पर इसलिए रोक रखे हैं कि मुझे पता रहे कि ये बच्चे जो है वो हेल्दी है, जो मैं तालाब में डाल रहा हूँ, ऐसा ना हो कि मैं तालाब में डाल दिया और वो मिट्टी में फंस के नीचे मिट्टी में रह गया तो पता ही नहीं चले कि मरा है या जिंदा है या क्या है, इसलिए मैंने इसको यहाँ रखा और ये अब रोक करके मैं इसको ले जाऊँगा। और तालाब में जो अभी बारिश का दिन है, इसलिए मैंने अभी डाला भी नहीं है, थोड़ा सा रुक करके ही डालूंगा, क्योंकि पानी कभी कभी फ्लड में जो है वो ऊपर आने लगता है, तो वो मेरा नुकसान होता है। इसमें भी मांगूर है, हाइब्रिड मांगूर है, और ये लगभग 1 किलो साइज़ का है, 500 ग्राम से ले 1 किलो साइज़ तक का है इसमें। जो ये कब तक तैयार हो जाएगा? ये तैयार है, तैयार है, अब इसको निकालना है खाली। निकाल मैं निकालता भी हूँ, इससे सेल भी कर रहा हूँ,
लेकिन थोड़ा बारिश की वजह से अभी रेट नहीं है उतना अच्छा, इसलिए मैंने स्टॉक करके रखा है। थोड़ा सा रेट बढ़ेगा तो फिर मैं इसको निकालूंगा। ठीक है। और ये बगल वाले टैंक का है, इसमें पंगास है जैसा मैंने उधर बताया था जी। ये बिल्कुल उसी रेशियो में लगभग 3000 पीसेज है इसका। अमाउंट कितना अमाउंट फीड डालते हैं देखिए, उसका जो मांगुर का जो फीडिंग है कैलकुलेटेड है कि वो 7 से 8% हम लोग डालते हैं दिन भर में उसके। तो अभी हमने यहाँ जो आए हैं प्लांट के अंदर, तो हमारे साथ इकबाल सर, और अभी हम सारा जानकारी इकबाल सर से ले चुके हैं। तो अगर आप इसी तरह का खोलना चाहते हैं तो इकबाल सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और इकबाल सर से अगर मिलना चाहते हैं तो यहाँ आके इकबाल सर से मिल सकते हैं। बिल्कुल मोस्ट वेलकम, जो कोई भी सहायता चाहिए वो मिलेगी, और जब चाहिए एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। लाइट है तब तक इससे एयर निकलेगा बहुत अच्छी क्वालिटी से, क्वांटिटी में निकलेगा, ठीक है, ह्यूज क्वांटिटी में, जो कि IMC के लिए भी सफिशेंट है। लेकिन इनकेस आपका लाइट कटा, और लाइट को कटना स्वाभाविक सी बात है, इसमें बैक फ्लो होता है, एयर वाटर बैक फ्लो होता है, वाटर जो बैक फ्लो होगा कहीं से मतलब सकिंग भी होगा, तो उसमें आपको ये जो उसके डस्ट है या जो शीट है वो जाएगा और वो चोक कर देता है। मतलब ये कंटिन्यू अगर आपने चला के रखा, आप टेस्ट कर सकते हैं इसको प्लेन वाटर में कंटिन्यू चला के रखा है, ओके ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका गया अगर 1 घंटे के लिए, तो ये बैक फ्लो होगा, बैक फ्लो में ये चोक होता है। फिर उसके बाद एक इसका इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको लगा के इस तरह से रगड़ना पड़ता है, रब करना पड़ता है इसको सफाई करने के लिए, और ये बड़ा डिफिकल्ट है। अगर आपके पास 30 टैंक है, मतलब एक टैंक में अगर आपने 5 लगा रखा है, तो 150 पीस आप सफाई करोगे, 1 घंटा लगेगा, फिर लाइट कट जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम फिर आपको करना पड़ जाएगा। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी